आज की क्लास में हम बर्लिन के टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी को समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं बर्लिन से। बर्लिन एक अमेरिकी पॉलिटिकल फिलासफर हैं, जो 1958 में टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी नाम से, जिसमें पॉजिटिव लिबर्टी माइक ऑन की और निगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट देते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हम बर्लिन के इन्हीं टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, मतलब पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है किसी चीज की उपस्थिति को दर्ज करता है। उपस्थित मतलब प्रेजेंस से। ठीक, अब प्रश्न उठता है कि किस चीज की उपस्थिति को दर्ज करता है, तो हस्तक्षेप की, मतलब इंटरफेरेंस। ठीक, किसके इंटरफेरेंस की बात करता है तो स्टेट के इंटरफेरेंस की बात करता है। ये आइडिया बर्लिन का पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट। ठीक, इधर आते हैं निगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट जो है किसी चीज के अब्सेंस, मतलब अनुपस्थिति को दर्ज करता है, अनुपस्थिति। अनुपस्थिति को दर्ज करता है मतलब अब्सेंट, अनुपस्थिति को दर्ज करता है। किस चीज की अनुपस्थिति को दर्ज करता है, इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट। ऑफ स्टेट, राज्य के हस्तक्षेप की अनुपस्थिति को दर्ज करने का काम करता है। यही बर्लिन का जो है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है। पॉजिटिव लिबर्टी और निगेटिव लिबर्टी के जो कॉन्सेप्ट है उसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पॉजिटिव लिबर्टी, मान लीजिए एक शख्स जिसका नाम श्याम है, वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के कारण जो है अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता है। उसकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है। ठीक, इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं होने के कारण वो जो है, ठीक, वो पढ़ाई नहीं कर पाता, अर्थात लैक ऑफ कैपेबिलिटी। ठीक, पॉजिटिव लिबर्टी जो कहता है कि लैक ऑफ कैपेबिलिटी देखने को मिलती है, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, स्टेट के इंटरवेंशन जरूरी हो जाता है। ठीक, ये जो है पॉजिटिव लिबर्टी का उदाहरण है। राम नाम का या श्याम नाम का कोई एक शख्स है जो है जिसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, जिसके वजह से वह क्या कर पा रहा है, वह शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में, अर्थात लैक ऑफ कैपेबिलिटी की स्थिति में, स्टेट के इंटरवेंशन की बात करता है, जिसे हम पॉजिटिव लिबर्टी के रूप में समझते हैं। ठीक, अब निगेटिव लिबर्टी, निगेटिव लिबर्टी को समझने के लिए हम फिर वही श्याम वाले उदाहरण पर जाएंगे। ठीक, तो श्याम क्या है, श्याम नाम का एक शख्स है जो आर्ट्स पढ़ना चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि वो कॉमर्स पढ़े, जिससे कि बैंकिंग व्यवस्था जो है वो सुधरेगी। ठीक, बैंकिंग व्यवस्था सुधरेगी, लेकिन श्याम जो है वह क्या करना चाहता है, श्याम जो है वह आर्ट्स पढ़ना चाहता है। ठीक, तो ऐसी परिस्थिति में बर्लिन कहते हैं कि स्टेट को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह क्या करे, कि मैन को फोर्स करे। नॉन इंटरफेरेंस की बात करता है। ठीक,
अर्थात बाधाओं के अभाव की बात करता है। ठीक, बाधाओं के अभाव की बात करता है। तो ऐसी परिस्थिति में स्टेट के इंटरवेंशन पर वह पाबंदी लगाता है। ठीक, यही जो है बर्लिन का नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो आज हमने ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ लिया। नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि यदि कोई शख्स जो है वह कैपेबल है, ठीक, तो कैपेबल है, कोई कार्य करने के लिए कैपेबल है, ठीक, लेकिन ऐसी परिस्थिति आती है कि स्टेट उस पर इंटरवेंशन करना शुरू कर देता है। इंटरवेंशन करने से क्या होता है, इंटरवेंशन करने से उसकी लिबर्टी खतरे में आती है। तो ऐसी परिस्थिति में स्टेट के इंटरवेंशन पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसी इंटरवेंशन को जो है बर्लिन जो है वो खारिज करते हैं, कहते हैं कि इंटरवेंशन की जरूरत नहीं। ठीक।